गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा चार से यानी कि फोर्थ स्टैंडर्ड से। बच्चे, अगर आपको लाइफ में, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से संबंधित हो, तो अगर हमें बहुत अच्छा करना है तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना पड़ेगा? हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम जा करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी से संबंधित कुछ कहानी पढ़ते हैं। हाँ, देखिए इस कहानी का शीर्षक है स्वास्थ्य ही धन है। इस कहानी का शीर्षक क्या है बच्चे? स्वास्थ्य ही धन है। और पाठ 11 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अभी हम इसे पहले आपको बताए ही है, यदि हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण उल्लास से भरा रहता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण एक स्फूर्ति रहती है, एक ताजगी रहती है, हम उल्लास से भरे होते हैं। रात में हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में नई उमंग और शरीर में नई स्फूर्ति होती है। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आओ हम उन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिनको ध्यान में रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है सफाई। स्वस्थ रहने के लिए बच्चे सबसे आवश्यक क्या है? सफाई। दिन भर काम करने और इधर उधर आने जाने से हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाता है। शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। शरीर में जो छोटी छोटी छिद्र होती है वो धूल और कण की वजह से बंद हो जाते हैं। जैसे हम कहीं बाहर गए, जैसे स्कूल से निकले या स्कूल गए, रास्ते में धूल उड़ती है, या कहीं ड्यूटी पे गए तो वो जो शरीर के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें वो धूल भर जाती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना खुलकर बाहर नहीं निकल पाता, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। इसके पश्चात तौलिए से रगड़कर शरीर पोंछना चाहिए। वस्त्रों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। गंदे कपड़ों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं, जैसे हम कहीं से ड्यूटी करके आए हैं तो कपड़े रास्ते में गंदे हो जाते हैं धूल से, और बहुत जो भी रास्ते की गंदगी है वो हमारे ऊपर आती है, तो हमारे शरीर के जो कपड़े होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, तो उसे डेली धोना चाहिए, वो भी अच्छे से सर्फ में, साबुन में धो करके, और धूप में उसे सुखाना चाहिए। धूप से सब कीटाणु मर जाते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोग भी करते होंगे। कहाँ थे हम? हाँ, गंदे कपड़ों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारी से बचे रहते हैं। प्रतिदिन जब हम अपने कपड़े को धोते हैं तो हमारे अंदर बीमारी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि हम साफ सुथरा रहते हैं, हमारे कपड़े साफ़ हैं और कपड़े पे कोई कीटाणु नहीं है। तो हर दिन कपड़े को धोना चाहिए, अपने शरीर के कपड़े को हर दिन धोना चाहिए। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारी से बचे रहते हैं और हमारा मन भी फ्रेश रहता है। आप देखिए, जब आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जब आप धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं तो आपके अंदर खुद एक ताजगी बनी रहती है, और जब आप गंदे कपड़े पहनते हैं तो आप भी खुद गंदे नज़र आने लगते हैं, आपको खुद उससे बदबू आएगी, आपका मन फ्रेश नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा साफ सुथरा कपड़े पहनने की कोशिश करना चाहिए। हमें दूसरों का तौलिया कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। घर में भी
जैसे कोई दूसरा आदमी तौलिया से कुछ अपना साफ़ किया है शरीर को, तो उसी उसने अपने शरीर की गंदगी को उससे साफ़ किया है, वही तौलिए से अगर हम साफ़ करते हैं तो उसमें जो कीटाणु है वो हमारे अंदर आ सकती है। इसीलिए घर में भी सभी को अलग अलग तौलिए रखनी चाहिए। हमें दूसरों का तौलिया कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरे का रुमाल, दूसरे का तौलिया, दूसरे का कोई भी सामान अपने प्रयोग में नहीं लाना, दूसरे की जहाँ तक जो कंघी करते हैं वो भी नहीं उपयोग करना चाहिए। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारियों के कीटाणु पलते हैं, जो हमारे घर के कोने कोने में जो वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, झोल, उसमें भी बहुत तरह के कीटाणु अपना बास करने लगते हैं, तो उसे भी साफ़ करना चाहिए। उसे भी संडे संडे, रवि रविवार को घर की सफाई करनी चाहिए। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु पलते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना और खिड़कियों और दरवाज़ों को साफ रखना आवश्यक है। खिड़की में भी देखिएगा, अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो खिड़की पे भी धूल, खिड़की के जो जाली होती है उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है। उसे भी कपड़े को भिंगा करके पानी से उसको भी पोंछना चाहिए, तो उससे भी क्या होता है ना, उससे भी घर साफ़ रहता है। और आप खिड़की के पास जाएंगे तो आप अगर उसमें चिपकते भी हैं तो उसकी गंदगी आप में जल्दी नहीं आएगी और अच्छा भी लगता है। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना, खिड़कियों और दरवाज़ों को साफ रखना आवश्यक है। हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि उनसे शुद्ध हवा आ सके। रात्रि में खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ये तो आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है कि धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी भी आवश्यक है। कोई कोई होते हैं जो ज़्यादातर खिड़की को बंद करके रखते हैं, लेकिन सुबह सुबह जो धूप की किरणें, धूप से जो किरणें, वो धूप आती है, सूर्य की जो किरणें आती है, उसे सुबह ही दरवाज़ा उरवाज़ा जितना खिड़की उड़की है सब खोल देना चाहिए। सुबह की जो प्रकाश है वो हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत ही लाभ मिलता है उससे। हमें अपने घर की खिड़कियों को खुली रखनी चाहिए ताकि उनसे शुद्ध हवा आ सके। रात्रि में भी खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी भी आवश्यक है। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती है। बीमारी के दिनों में पानी उबाल कर पीना लाभदायक होता है। अब देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति नहीं मिलती है। अच्छे भोजन से रोटी दाल चावल के अतिरिक्त हरी सब्जी, फल और दूध का होना भी आवश्यक है। टमाटर, कभी कभी पौष्टिक चीज़ भी खाना चाहिए। एक ही चीज़ जैसे कि हमेशा रोटी दाल ही खा रहे हैं, हरी सब्जी अति इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए, जैसे साग हुआ, ये सब तो बना के खाना चाहिए, बहुत ही विटामिन मिलता है उससे। तो केले उले, कच्चा केला जो होता है, साग होता है, अच्छे भोजन में रोटी दाल चावल के अतिरिक्त हरी सब्जी, फल और दूध होना आवश्यक है। टमाटर, मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियां भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। हमें स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य को अच्छे से रखना है तो उसके लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती है। हमें प्रातःकाल सैर करना चाहिए, खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। तैराकी भी अच्छा व्यायाम है, जो पानी में जो तैराकी लगाते हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छा, उससे पूरे शरीर की व्यायाम हो जाती है। खेलों में भी अच्छा व्यायाम होता है, खेल भी खेलना चाहिए, जिससे पूरे शरीर में एक स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में हमेशा रहते हैं तो इसका मतलब ही है कि आप स्वस्थ हैं। जो लोग स्वस्थ होते हैं वो देखिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, कभी भी उनका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। उसे देख करके लोगों को भी मिलता है, लोग भी, मतलब कि सामने वाले को, अगर आप ऐसे बन के रहिए ना कि सामने वाले भी आपको देख करके खुश हो जाए, और आप ऐसे रोनी सूरत बना करके रहेंगे तो सामने वाले को भी प्रभावित करता है। आपका रोना चेहरा भी प्रभावित करेगा और आपका हंसता हुआ चेहरा भी प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए।
आप खुद स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी स्वस्थ करिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत ही आवश्यक है। चिंता और क्रोध का मन पर ही नहीं शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, अतएव हमें सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। देखिए थोड़ा शब्दार्थ के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्ती, आरोग्य। क्षण मतलब पल। उल्लास मतलब खुशी, प्रसन्नता। कीटाणु मतलब रोगाणु। अतिरिक्त मतलब अलग से। व्यायाम मतलब योग, कसरत। स्फूर्ति मतलब ऊर्जा। शुद्ध मतलब साफ, स्वच्छ। अशुद्ध मतलब गंदा, अस्वच्छ। मात्रा मतलब परिमाण। तो स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या फायदे हैं प्रश्न है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, अभी पढ़ाए थे। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, हमें साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, हमें व्यायाम करनी चाहिए, सब कुछ अभी बताए हैं। धूप से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी, अभी पढ़े थे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं है कोई कहानी को या कोई भी कविता को, तब तक आप खुद से कोई भी प्रश्न का हल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कुछ पूछ दिया तो आप उसका उत्तर भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना चाहिए। चिंता और क्रोध से क्या हानि होती है, ये भी है। तो मान लीजिए आपको हम पढ़ा दिए, पूरे बुक को पढ़ा दिए, आप उसे सुनेंगे नहीं, सुन के भी कोई फायदा नहीं होता है। जब तक आप उसे अपने एक एक लाइन आप खुद से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, टीचर ने तो टीचर बता दिया, आप सुन लिए, बात ख़त्म हो गया, लेकिन एक एक लाइन जब तक आप कहानी को खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपका विकास होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए मन की प्रसन्नता यहाँ पे है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं, सही का चिन्ह लगाएं। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का क्या होना आवश्यक है, रोगी, स्वस्थ, बीमार, सभी। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का क्या होना आवश्यक है, स्वस्थ। शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या साफ हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो अभी हम थोड़ी कहानी में पढ़े थे, बंद हो जाते हैं हमारे रोम छिद्र, गंदगी से बंद हो जाते हैं। धूप से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होता है, ए, सी, डी या ये सभी, तो अभी पढ़े थे डी। तो इसका प्रश्नोत्तर भी हम आपको लिख करके भेज दिए हैं, और आप इसे पढ़िए, समझिए, और जहाँ भी कोई चीज़ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।